गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। आज हम आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका टॉपिक है एंड देन द फर्स्ट सिटीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर के बारे में आपको समझाने से पहले, मैं थोड़ा सा जो प्रीवियस चैप्टर है, जो हमारे जो पूरा पहले वाले जो चैप्टर्स जो है, उसको थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को ये वाला जो चैप्टर जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, जो आपका जो ये हिस्ट्री जो है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में है, क्यों जो हम जो है, जो अभी जिस तरह से हम रह रहे हैं, क्या हम वैसे ही रहते थे आज से हजारों साल पहले भी वैसे ही रहते थे? अगर नहीं रहते थे तो वो लोग कैसे रहते थे, उस बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, स्टोन एज वो वाला पीरियड है, वो वाला एज है, जब लोग जो है टूल्स जो है वो स्टोन का बना हुआ यूज़ करते थे, इसलिए उस एज को स्टोन एज कहा जाता था। और स्टोन एज को फर्दर डिवाइड किया हुआ था पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज करके, आप लोगों को याद होगा। पैलोलिथिक एज वो होता है जो सबसे ओल्ड होता है, जिसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। मेसोलिथिक एज वो होता है जो मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है, जो पैलोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच में आते हैं। ठीक है, नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, जो न्यू मतलब नया। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि जब पैलोलिथिक एज का टाइम था, वो वाला जब पीरियड था, उस टाइम जो है लोग जो है हंटर एंड गैदरर्स होते थे, नोमैड्स होते थे। एक जगह पे उनका परमानेंट घर नहीं होता था, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहते थे, उनको शिकार करते थे, उनको जंगली जानवरों की तलाश रहते थे, उनको फ्रूट्स की तलाश रहते थे, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह वो चलते रहते थे। और वो लोग खाना जो है वो अनकुक्ड खाते थे, यानी कि उनको पकाना नहीं आता था, उनको आग क्या है, खाना कैसे पकाते हैं वो कुछ नहीं पता था। ठीक है, अब जो है उनको क्लोथ, उनका कपड़ा जो है वो ऐसे क्लोथ जो है वो एनिमल स्किन यूज़ करते थे, बार्क्स ऑफ ट्रीज यूज़ करते थे, लीव्स यूज़ करते थे, बनाना नहीं आता था, ऐसे ही अपने बॉडी को ऐसे ही रैप कर लेते थे। ठीक है, उनके पास जैसे अभी हम घर में रहते हैं वैसा घर उनके पास नहीं होता था, वो किस में रहते थे, केव्स में रहते थे, गुफे में रहते थे। उनको घर घर कैसे बनाना है ये सब कुछ भी उनका उनके पास आइडिया नहीं होता था। ठीक है, अब जैसे जैसे पैलोलिथिक एज ख़त्म हो रहा था, उन्होंने इम्पोर्टेंट चीज़ों के डिस्कवर्ड की, यानी कि खोज की, उसमें से एक था फायर यानी कि आग। तो आग जो है, आग से उनकी लाइफ जो है बहुत काफ़ी हद तक जो है आरामदायक हो गए, यानी कि कंफर्टेबल हो गए। ठीक है, उससे पहले जो है उनकी लाइफ जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। आप खुद सोचो, अभी हम अगर हमें चावल जो हम खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, अगर वो हम अनकुक दे, बिना पके हुए हमें दे दे, तो हम खाएंगे उसको? नहीं। तो पहले जो है पैलोलिथिक एज के लोग जो है अनकुक जो है खाना खाते थे। जब फायर डिस्कवर हुआ तो उन लोगों को क्या क्या आया, फायर से जो है वो खाना कुक कर सकते थे। ठीक है, और वो अपने केव्स को रोशन कर सकते थे फायर से, और फायर से वो क्या कर सकते थे, जंगली जो जानवर होते हैं, जो खतरनाक जानवर होते हैं, उनको भगा भी सकते थे। ठीक है, उसके बाद विल, जो अभी हम देख रहे हैं, जो रोड पे अलग अलग गाड़ियाँ चलते हैं, छोटे बड़े गाड़ियाँ चलते हैं, वो किस पे चलते हैं, पहिए पे चलते हैं, है ना। अगर पहिया नहीं होता तो गाड़ी नहीं चलेंगे, है ना। तो इसी तरह से विल जो है पैलोलिथिक एज के जो एंडिंग में जो है ये विल डिस्कवर्ड हुआ था। मगर जो अभी जो जैसा विल जो अभी होता है, जैसा पहिया होता है,
आज से पहले जो है वो वाला पहिया जो है वैसा नहीं होता था, जैसे कि वैसा जो है पहिया जो है ऐसे होते थे लकड़ी का, इतना अच्छा शेप नहीं होता था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, उसको शेप देकर उन्होंने ठीक किया। समझ में आया? तो जब पहिया उन्होंने डिस्कवर किया, व्हील जब उन्होंने डिस्कवर किया, तो उनकी लाइफ जो है काफ़ी हद तक जो है वो कंफर्टेबल हो गए। कैसे? ता अब जो है वो लोग सामान जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है पहुंचा सकते थे आराम से। ठीक है, पहले उनको उठा के ले जाना पड़ता था। समझ में आया? उसके बाद मेसोलिथिक एज में आता है मिडिल एज, जिसके बारे में हमने पढ़ा। उस मिडिल एज में जब आए तब लोगों की लाइफ जो है चेंज हो रहा था। ठीक है, उस टाइम जो है क्लाइमेट जो है मौसम जो है वो भी वार्म हो रहे थे, थोड़ा गर्म हो रहे थे, जिसकी वजह से अब उनको जंगल में अलग 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 प्लांट्स मिलने लगे, अलग अलग जो है एनिमल्स मिलने लगे हंट करने के लिए। ठीक है, अब पहली बार उन्होंने कोई जानवर रखा, टैम किया, और वो था कौन सा था, डॉग, आपको याद होगा। ठीक है, अब जो है उनको ये आइडिया आया कि क्रॉप जो है वो हम क्रॉप्स जो है वो हम उगा सकते हैं। अब उनको ये पता चला जब सीड्स होता है, जो बीज होता है उसको जब ज़मीन के अंदर डालो, उसके उस पर पानी डालो, तो उससे क्या होता है, प्लांट्स निकल आते हैं। जब ये प्लांट्स जब बड़े हो जाता है तो एक सीड्स के 2, 3, 4, 5, 6 बन जाते हैं। तो उनको ये पता चला, आइडिया हुआ। ठीक है, अब वो धीरे धीरे करके हाउस घर बनाने लगे, मगर अभी जैसे हमारा घर है वैसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल मट का बना हुआ वो था, घर था। उसमें भी वही जो प्लांट्स जो है ऐसे जो है रूफ जो है ऐसे वो लोग यूज़ करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद नियोलिथिक एज आया, यानी कि न्यू स्टोन एज आया। अब न्यू स्टोन एज में लोग क्या करने लगे, क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा उगाने लगे। ठीक है, फसल जो है ज़्यादा उगाने लगे, खेती बाड़ी करने लगे लोग। फिर जब खेती बाड़ी करते हैं तो क्या हो जाता है, दे स्टार्टेड अ सेटल्ड लाइफ। पहले वो लोग चलते रहते थे, मूव करते रहते थे, नोमैड्स होते थे। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेटल्ड लाइफ जो है वो जीना स्टार्ट किया। एक ही जगह पे रहे, वहाँ पे उन्होंने खेती बाड़ी की। अब उस खेती बाड़ी करते हैं, फसल की जो है वो देखभाल करने लगे। फिर वो लोग अलग अलग जानवरों को पालने लगे, जैसे कि शिप हो गया, जैसे कि गॉट हो गया। ठीक है, उनके जो मिल्क जो है प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करने लगे। ठीक है, अब एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी हद तक डेवलप हुआ। अब उनको प्लॉइंग आया, यानी कि हल चलाना आया। अब उनको ये पता चला कि जब ज़मीन पे, जब मिट्टी पे हल चलाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, मिट्टी जो है, ज़मीन जो है क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और वहाँ पे जो है फसल जो है वो अच्छे से उगा सकते हैं। समझ में आया? और वहाँ पे अच्छे फसल भी आ सकते हैं, अब उनको ये पता चल रहा था। ठीक है, फिर जब एक जगह पे जब लोग सेटल्ड होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत पड़ते हैं। समझ में आया? अब चाहिए, अब लोगों को संभालने वाला चाहिए, उनको कंट्रोल करने वाला चाहिए। तो उसमें से कुछ जो है लीडर्स बन गए, उनका हेड बन गया, लीडर्स बन गए, उनका हेड बन गया। ठीक है, इस तरह से डिवीजन ऑफ वर्क जो है शुरू हुआ, अलग अलग तरह के लोग काम करने लगे। ठीक है, कोई टूल्स बनाने लगे, कोई गाय भैंसों को चराने वाले बन गए। ठीक है, कोई फार्मर्स बन गए, कोई उनका लीडर्स बन गया, कोई उनका हेड बन गया। समझ में आया? अब वो लोग जो है घर, पहले जो है मट का हाउस हुआ करता था, अब जो है घर जो है अच्छा बनाने लगे वो लोग, उसमें ब्रिक्स यूज़ करने लगे, ब्रिक्स वो लोग यूज़ करने लगे थे। इस तरह से लोगों की लाइफ जो है पैलियोलिथिक एज से नियोलिथिक एज तक जो है पूरा चेंज हो गया।
ठीक है, वो हंटर एंड गैदरर्स से क्या बन गए, उन्होंने सेटल्ड लाइफ शुरू किया, फार्मर्स बन गए। समझ में आया या आया ना, ये हमने पहले भी किया हुआ था। अब हम इस चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 4 पे, जो है एंड देन द फर्स्ट सिटीज पे आते हैं। ठीक है, अब जो है हमने इससे पहले अभी अभी पढ़ा कि लोग जो है अब गांव बसने लगे, है ना, गांव बसे। ठीक है, गांव में लोग एग्रीकल्चर करने लगे, गांव में लोग क्या करने लगे, जानवरों को पालने लगे। समझ में आया। अब धीरे 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 जो है क्या हो रहा था, गांव जो है वो शहर बन रहा था, कुछ गांव जो है वो शहर बन रहा था, सिटीज बन रहा था, टाउन्स बन रहे थे। ठीक है, शहर टाउन्स ये कब बनता है, जब ट्रेड शुरू होता है, ट्रेड शुरू हुआ यानी कि बिजनेस। जो फार्मर्स होते हैं, जिनके पास जो फसल होते हैं, जो अनाज होते हैं, वो लोग क्या करने लगे, पास के बड़े गांव में उसको बेचने के लिए ले जाने लगे। अब जहाँ पे वो उनके पास जो सामान नहीं होता था, जैसे कि टूल्स हो गया, जैसे कि बर्तन हो गया, वो सब जिनके जो उनके पास नहीं होता था, उसके बदले में वो लोग खरीद के लाने लगे। ठीक है, अब जो है लोगों के पास अब ज़्यादा टाइम बचा, पहले उनके पास सोचने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं होते थे, जंगल में एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे। ठीक है, अब जब वो एक जगह पे सेटल्ड हो गए, खेती बाड़ी की, तब उसकी देखभाल करने होंगे। एक बार खेती बाड़ी हो गया तो फसल कटाई तक जो है उनके पास टाइम, फ्री टाइम जो है वो आने लगे। ठीक है, अब वो लोग ये सोचने लगे कि हम फ्री टाइम में, जो हम काम करने के बाद जो हमारा फ्री टाइम होता है, वो हम उसमें क्या करेंगे। अब वो उन लोगों ने सोचना शुरू किया, जब सोचते हैं तब इन्वेंशन होते हैं, है ना, नई नई चीज़ जो है वो करने का आइडियाज़ आते हैं। फिर जो है राइटिंग डेवलप हुआ, आर्ट जो है, कला जो है वो डेवलप हुआ। ठीक है, इस तरह से टाउन्स बन गए, सिटीज बन गए, और फर्स्ट सिविलाइजेशन आया। समझ में आया। सिविलाइजेशन उसको कहते हैं, सिविलाइजेशन तब होता है जब कोई सोसाइटी जो है एडवांस स्टेज पे आता है, डेवलप स्टेज पे आता है, यानी कि प्रोग्रेस स्टेज पे आता है। जहाँ पे होता है क्या क्या होता है, एडवांस एग्रीकल्चर अच्छा होता है, जहाँ पे लोग शहर में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, जहाँ पे लोगों को लीगल, पॉलिटिकल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होता है, ये सब बना हुआ होता है, जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर्स होता है, कोई रूलर्स होता है, कोई वॉरियर्स होता है, कोई प्रिस्ट होता है, कोई फार्मर्स होता है, कोई कारपेंटर्स होता है, कोई पोटर्स होता है। ठीक है, अब जहाँ पे लोगों को राइटिंग के बारे में पता होता है, जहाँ पे ये सारे कंडीशंस होता है, प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट होता है, उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही 4 बड़े बड़े सिविलाइजेशन आए थे। वो कौन कौन सा था, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपके मैप में दिया हुआ है बुक के, ये देख सकते हो आप लोग अपना बुक निकाल के, चाइनीज सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है और इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। ठीक है, ये सिविलाइजेशंस हैं। अब ये जो सिविलाइजेशंस जो है वो कहाँ पे हुआ, ये हुआ रिवर के आसपास। जब भी कोई लोग कहीं पर सेटल्ड होता है तो वहाँ पे क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, है ना, पानी तो बहुत ज़रूरी है ना, पानी से खाना बनाते हैं, अपने जानवरों के लिए पानी चाहिए हमें, है ना, और खेतीबाड़ी के लिए पानी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी चाहिए। रिवर
जो है पर उस टाइम जो है रिवर जो है एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूज़ करते थे, और जितने भी ये सिविलाइजेशन हुआ था वो रिवर के आसपास हुआ था, यानी कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुआ था, तिग्रीस और एफरेट्स रिवर के आसपास हुआ था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है नाइल रिवर के आसपास हुआ था, चाइनीज सिविलाइजेशन जो है हुआंग हो रिवर के आसपास हुआ था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इंडस रिवर के आसपास हुआ था। इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा है। समझ में आया? अब हम इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये कितने साल पुराने हैं? तकरीबन 5000 ईयर्स पहले की बात है, यानी कि 4700 ईयर्स बैक, इतने पुराने हैं ये सिविलाइजेशन। समझ में आया? आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कब खोजा? 1920 में खोजा। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो पुराने ज़माने के चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, उनके बारे में खोज करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। क्या हुआ कि जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया में आज से 150 ईयर्स पहले, तो हर जगह पे क्या बन रहा था? रेलवे ट्रैक बन रहा था, ठीक है। अब रेलवे ट्रैक बन रहे थे पंजाब में, तो इंजीनियर्स ने देखा, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट उन्होंने देखा। तो क्या हुआ, इंजीनियर्स ने देखा कि वहाँ पे जो है पंजाब में जो है बहुत सारे ब्रिक्स हैं, यानी कि ईंटें हैं, ठीक है। जब उन्होंने देखा उन ईंटों को, तो वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ईंटा था। तो उन्होंने क्या किया, वो लोग हैरान हो गए कि यहाँ पे इतने सारे ईंटे कहाँ से आया। तो उन्होंने देखा, आसपास देखा, तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे बिल्डिंग्स, टूटे फूटे घर ऐसे बहुत सारे थे, और वो इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो उन्होंने क्या किया, वो ब्रिक्स जो है, वो ईंटे जो है अपने ये रेलवे ट्रैक बनाने में उन्होंने लगाए, ठीक है। मगर उस टाइम जो है इस बात पे किसी ने खोज नहीं किया। उससे पहले जो है उसके बाद जो है 80 ईयर्स पहले जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है खोजा, और वो कितने साल पुराना था? 4700 ईयर्स पुराना था, ठीक है। और उन्होंने अभी तक 1400 साइट, यानी कि जगह जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट जो है, जगह जो है उन्होंने डिस्कवर्ड किया, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन में से जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो साइट थे वो थे मोहनजोदारो, हरप्पा और मेहरगढ़। जो अभी ये जो जगह जो है कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। पहले तो ये पाकिस्तान, ये जो है अभी आज से ये 150 ईयर्स बैक या 80 ईयर्स बैक जो है इन पाकिस्तान तो अलग नहीं थे, वो तो आपको अच्छे से पता है। ये तो 1947 में हुआ था, जब आज़ादी मिले थे, जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान करके डिवाइड करके चले गए, है ना। तो अभी जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है ज़्यादातर जो साइट जो है, जगह जो है, वो पाकिस्तान में चला जाता है, आप अपने बुक में देख सकते हो, ठीक है। और ये जो डार्क कलर का जो ये किया हुआ शेड दिया हुआ है, ये सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। समझ में आया? हाँ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स है जो मोहनजोदारो है, हरप्पा है और मेहरगढ़ है, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग के बारे में, किस तरह से शहर जो है किस तरह से बनाया हुआ था,
रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, रूलर्स होते थे या नहीं होते थे ये पढ़ेंगे हम। फिर हम फूड, खाना क्या खाते थे, कैसे खाते थे लोग, वो पढ़ेंगे। क्लोथ पढ़ेंगे हम, राइटिंग पढ़ेंगे हम, मेटल्स पढ़ेंगे हम, पॉटरी पढ़ेंगे हम, आर्ट पढ़ेंगे हम, उसमें सील्स पढ़ेंगे हम, वेट्स पढ़ेंगे, रिलीजन पढ़ेंगे, ट्रेड पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है किस तरह से ये सिविलाइजेशन जो है ख़त्म हो जाता है, कि ये एंड हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे। समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? चलो अब उससे सबसे पहले जो है ये टाउन प्लानिंग, ये वाला मोहनजोदारो जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर है, सिटी है, जो बहुत ही अच्छे से प्लान किया हुआ है, बनाया हुआ है मोहनजोदारो। ठीक है, ये सिटी जो है, ये शहर जो है डिवाइड किया हुआ है टू पार्ट्स में, अपर टाउन एंड लोअर टाउन करके। ठीक है, जो इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, ये वेस्टर्न पार्ट्स जो है ये ऐसे होता था जो थोड़ा ऊंचाई पे होता था, जो हाई होता था। ठीक है, और ये जो है ईस्टर्न पार्ट्स, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट से जो ईस्टर्न पार्ट्स जो है वो ज़्यादा बड़ा होता था। ठीक है, मगर ये थोड़े नीचे होते थे, ये थोड़ा ऊंचाई पे होता था, ये वेस्टर्न पार्ट्स, जिसको वो लोग सीतादल कहते थे, जो उन्होंने नाम रखा सीतादल करके। ठीक है, अब ये सीतादल में क्या क्या होते थे, बड़े बड़े लार्ज बिल्डिंग्स होते थे। ठीक है, और जो ये लोअर टाउन्स में क्या होते थे, जो कॉमन पीपल होता है ना, जो आम लोगों का जो है घर होता था। समझ में आया? अब जो उन्होंने वहाँ पे